माइकल फेल्प्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो सिर्फ इतना जान लो कि जहां इंडिया ने पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, वहीं इस अकेले इंसान ने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऐसा क्या किया इस इंसान ने जो कि हमारा पूरा देश मिलकर नहीं कर पाया? माइकल फेल्प्स ने क्या अलग किया इस दुनिया से? इन्हें सबसे पहले जुनून चढ़ गया था मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ने का। मार्क स्पिट्स ने एक रिकॉर्ड बनाया था स्विमिंग के अंदर, एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीतने का, और पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला। लेकिन इन्हें ये रिकॉर्ड हर हाल में तोड़ना था और अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाना था। अब इन्हें रिकॉर्ड तोड़ना था मार्क स्पिट्स का, तो इन्होंने ये देखा कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मार्क स्पिट्स ने क्या किया। मार्क स्पिट्स 4 साल तक डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे, तो इन्होंने निश्चय किया कि मैं 4 साल तक 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे तक प्रैक्टिस करूंगा। इनका कहना यह था कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे थोड़ा डाउट था कि सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर कौन आएगा। खुद की मेहनत को देखकर इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। दुनिया को कुछ पता हो या ना हो, हमें सब पता रहता है कि हमने क्या किया है और कितना किया है, और उसी के बेस पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर ये तुम्हारा हाथ सही हो भी गया तो क्या इसमें वो पहली वाली बात रहेगी? लेकिन इनके दिमाग में भूत सवार था मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ने का। और जब इंसान के अंदर इतना जुनून होता है ना किसी भी चीज को लेकर, फिर वो इन मुसीबतों के आगे रुकता नहीं है। हाथ टूट गया था, कोई बात नहीं, इन्होंने पैरों से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और प्रैक्टिस कर करके कर करके कर करके अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया कि जब तक इनका हाथ सही हुआ, इनके पैरों की वजह से इनकी स्पीड्स कई गुना तक बढ़ चुकी थी। और जब हाथ और पैरों का कॉम्बिनेशन बना तो दूर दूर तक कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, उसकी जिंदगी में बहुत मुसीबतें होती है, और जो कुछ नहीं करना चाहता उसकी जिंदगी में भी बहुत मुसीबतें होती है। बस फर्क इतना होता है कि करने वाला सोल्यूशन ढूंढ ही लेगा, और जो नहीं करने वाला है उसे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बस इतना फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। इन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत में सबसे बड़ा मौका ढूंढा, और 2008 में फाइनली इन्होंने मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद में 4 साल बाद 2012 में 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर फिर से जीत लिए। लेकिन उसके बाद ये कुछ गलत आदतों में पड़ गए, ड्रग्स का शिकार हो गए, जिसके चलते कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनका तो ये तक कहना है कि एक टाइम पर ये स्पोर्ट्समैन तक नहीं रहना चाहते थे। एक ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे जहां पर कई दिनों तक ये एक ही जगह पर रहे और जीने की तमन्ना तक ये खो चुके थे। लेकिन फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने कमबैक किया। 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन 2014 में इन्होंने फिर से कमबैक किया और अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। और 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद 2016 ओलंपिक में उतरे, और 2016 में ही पूरा इंडिया मिलकर गोल्ड तो दूर की बात, सिर्फ 1 सिल्वर लेकर आया था। और 2016 में ही ये अकेला बंदा 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर लेकर आया था, जबकि 2012 के बाद ये संन्यास ले चुके थे, मेजर डिप्रेशन में जा चुके थे, ड्रग्स का शिकार हो चुके थे, इन्हें जेल तक जाना पड़ा था। लेकिन इनकी प्रैक्टिस लाजवाब थी, इनकी पुरानी प्रैक्टिस इनको बहुत काम आई। इन्होंने 6 साल तक बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए, चाहे बीमार हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, बिना एक भी दिन का हॉलीडे लिए 6 साल तक लगातार इन्होंने 12 घंटे प्रैक्टिस की थी। बाकी एथलीट्स हर हफ्ते हॉलीडे लेते हैं, दिन में 4 घंटे 5 घंटे 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, ये बिना हॉलीडे के 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। बस इतना फर्क था इनमें और बाकी एथलीट्स में। माइकल फेल्प्स कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कर रहे हो वो कितना मुश्किल है, अगर आप सच में उस काम को करना चाहते हो तो ये जिंदगी आपके सामने कितनी भी बड़ी बड़ी चुनौतियों को लाकर खड़ा क्यों ना कर दे, आप उस काम को कर जाओगे।